सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे बेंजीन के रिएक्शंस इन बेंजीन, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन. सी, व्हेन यू टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, बेंजीन किस तरह के रिएक्शन शो करता है, सबसे पहले हम ये जानना चाहिए. देखो मेरे बच्चों, होता क्या है कि बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में हमारे पास बेसिकली पाई बॉन्ड्स हैं, और जब भी कभी पाई बॉन्ड होते हैं तो देयर आर चांसेस जिससे क्या हो, एडिशन हो जाए, जिससे क्या हो, एडिशन हो जाए. जैसे मान लो अगर बेटे मैंने इसमें क्लोरीन डाला और वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट डाला, क्लोरीन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट डाला, तो बेटे क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे शो कर दूं, जैसे कि हम जानते हैं कि ये ऐसे होते हैं डबल बॉन्ड्स और ये लगातार रेजोनेंस में होते हैं, ये भी क्लियर है, तभी हमने गोला लगाया था, तो हर कार्बन पे हमारे पास एक इक्विवेलेंसी बच जाती है क्योंकि पाई बॉन्ड्स है, तो सारी जगह पे क्लोरीन एड ऑन हो सकता है, और अगर सारी जगह पे क्लोरीन एड ऑन हो गया तो यहां सीएल, यहां सीएल, यहां सीएल, यहां पे भी Cl, यहां पे भी Cl और यहां पे भी Cl, ऐसा एक कंपाउंड बन जाना चाहिए. ठीक है जी बेटा, इस कंपाउंड को लोग कह देते हैं BHC. BHC का मतलब होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड. क्या बोल देते हैं? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, तो उसको बेंजीन हेक्सा क्लोराइड लोग कह देते हैं, जबकि ये तो नाम ही गलत है. क्या अब ये बेंजीन बचा? अब तो ये बेंजीन बचा ही नहीं, इट इज एक्चुअली हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है ना भाई, छे छे क्लोरीन लगे हैं और साइक्लोहेक्सेन पे. बेटा इसको हम लोग ऐसे भी कह देते हैं 666, क्यों? छह ही कार्बन है, छह ही हाइड्रोजन है और छह ही हमारे पास क्लोरीन लग जाएंगे, तो 666 में बोलते हैं. इसका एक नाम लिंडेन भी होता है, लिंडेन भी होता है, और बेटे इसी को मेजरली गेमेक्सेन भी बोलते हैं, दिस ऑल्सो कॉल्ड एज गेमेक्सेन. ये एक वेल नोन पेस्टिसाइड होता है बेटा, दिस इज अ वेल नोन पेस्टिसाइड. ठीक, एक बहुत वेल नोन पेस्टिसाइड है ये बीएचसी. पर बेटा अगर ध्यान से देखें तो हमें समझ में कुछ आएगा, इसमें समझ में आएगा कि पहले ये जो रिएक्शन था, पहले जो बेंजीन था ये एरोमेटिक था, ये कैसा था? एरोमेटिक कंपाउंड. आपको एरोमेटिसिटी करवाई ना सर, तो एरोमेटिक कंपाउंड था, और यहां आके ये नॉन एरोमेटिक बन गया. नॉन एरोमेटिक आर लेस स्टेबल देन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक आर लेस स्टेबल देन एरोमेटिक, और यही वजह है कि एडिशन बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, इसीलिए एडिशन रिएक्शंस आर स्कार्स, बहुत कम होते नहीं बेंजीन में. ठीक, बेंजीन में उस तरह के रिएक्शन होंगे जिससे उसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन रहे. जैसे आपको पता है कि यहां पे सभी जगह पे एच तो है ना भाई, सभी जगह पे एच तो लगे हैं ना, सारे कार्बन पे C6H6, तो सभी कार्बन का एच है. अब बेटे जी अगर मान लो इससे कोई एक्स को रिप्लेस करवा दे, ठीक, और यहां पर हमारे पास ये बेंजीन नहीं, एच जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय एक्स, और बाहर निकला HX. अब इस रिएक्शन के दौरान क्या हुआ? इस रिएक्शन के दौरान बेंजीन की एरोमेटिसिटी मेंटेन रही, ये एरोमेटिक एरोमेटिक ही रहा, बट एच हैज बीन रिप्लेस्ड बाय दिस एक्स. ठीक है, तो बेटा अगर एच की सब्स्टिट्यूशन हो तो एरोमेटिसिटी मेंटेन रहेगी, इस वजह से सब्स्टिट्यूशन आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ बेंजीन.
substitutions are the characteristic reaction of benzene. Benzene में addition इतनी नहीं होती क्योंकि aromaticity खत्म हो जाती है. Substitutions main reaction होती है. लेकिन अब बात आती है electrophilic substitution या nucleophilic substitution. देखो बेंजीन में आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिवॉल्व्स अबव द प्लेन, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिवॉल्व्स बिलो द प्लेन, एंड अ न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन गिविंग. तो अगर न्यूक्लियोफाइल पास आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, न्यूक्लियोफाइल पास आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, करेंगे कि नहीं, है ना बेटा. इस वजह से ये बहुत क्लियर है कि हमारे पास बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के चांसेस नहीं होते. न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक ऑन बेंजीन रिंग्स. न्यूक्लियोफाइल्स प्रेफरेबली विल नॉट अटैक, प्रेफरेबली विल नॉट अटैक ऑन बेंजीन रिंग, ऑन बेंजीन रिंग. And what may be the reason for that? Because of repulsion of pi electron cloud. Because of repulsion of pi electron cloud above the plane and below the plane, there is a repulsion of pi electron cloud. So, beta, nucleophile is repelled. But ha, agar ek electrophile ho, electrophile to attract hoga na? Electrophile ko electron chahiye. To electrophile yahan pe attack asani se kar sakte hain. So जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी जिसको हम प्यार से बोलते हैं ESR. तो बेंजीन रिंग के करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ESR होते हैं. क्यों होते हैं समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी बोलो यस और नो. पहली बात, एडिशन क्यों नहीं होती इसमें, क्योंकि उससे एरोमेटिसिटी खत्म होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है जिससे एरोमेटिसिटी मेंटेन रहती है. न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं अटैक करता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को पाई इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं. इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैक करता है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल इसलिए अटैक कर जाता है कि हमारे पास इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली हेल्ड होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक कर सकता है. इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग. अब इसमें देखो कितनी तरह के हो सकते हैं, बहुत सारे तरह के हो सकते हैं बेटा, लेकिन जो मेजर वंस हम पढ़ेंगे. देखो बेटा, ऐसा हो सकता है कि बेंजीन जो है, बेंजीन के ये जो H है, H सारे कार्बन पे, एक के ऊपर नहीं दिखा रहा हूं मैं, ये ऊपर इसलिए दिखा रहा हूं आपको पता चल जाए, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे सारी जगह पे एच होगा. मान लो सबसे पहले हम इसको हैलोजन के साथ रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है जी, तो क्या होगा, एच यहां और एक एच एक्स बाहर. तो हमारे पास एक रिएक्शन तो ये हो सकता है इसका, यहां पे लगा देंगे एक्स और बाहर निकलेगा एच एक्स, ठीक है बेटा. And this is called as halogenation. इसको हम halogenation बोलते हैं. Detail अभी करेंगे सारों की. पहले देख रहे हैं reaction कौन-कौन से हैं. फिर उसकी details करेंगे. Halogenation. इसी तरह से बेटे हम ये कर सकते हैं कि इसका जो ये H है, that is replaced by NO2. ठीक? That is replaced by NO2. तो यहाँ बन जाएगा बेटे हमारे पास nitrobenzene. And this is called as nitration. इसको हम nitration बोलते हैं, ठीक. इसी तरह से ये H जो है, that can also be replaced, that can also be replaced with SO3H. That can also be replaced with SO3H. So you can have this also. And this is called as sulfonation. This is called as sulfonation. इसको sulfonation बोला जाता है. ठीक. इसी तरह से ये वाला H जो है, ये वाला H जो है, that can be replaced by any alkyl group. That can be replaced by an alkyl group.
So when alkyl group is replaced over here, you get alkylation, and it can be replaced by CH3COCl acyl group. Class ki trick hai ye to. Class lagani. Agar free diamond trick to pahle. Light off kare, Palak. Resort. Resort. हर्षिता माइक ऑफ करें। इसी तरह से हम यहां पर लगा सकते हैं COCH3। ये एसाइलेशन, ये दोनों रिएक्शन जो है ये फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन कहलाते हैं, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शंस। तो ऐसे पांच मेजर तरह के सब्स्टिट्यूशन हम यहां पे देखेंगे बारी बारी, और इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे पूरी तरह से, ठीक, कैसे कैसे ये रिएक्शन होते हैं। ठीक, तो चलिए फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद दैट ऑफ हैलोजिनेशन। पहले बोलो ये समझ में आया? चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हैलोजिनेशन की डिटेल्स। हैलोजिनेशन, तो हमारा टॉपिक है बेंजीन में ESR रिएक्शन, ESR रिएक्शन इन बेंजीन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैलोजिनेशन। The first thing we will discuss halogenation. Halogenation मतलब halogen की substitution. देखो बेटा, हमारे पास मान लो यहां पे बेंजीन रिंग है, मैंने कोई भी halogen लिया X2, कोई भी halogen लिया X2, ठीक, in the presence of a Lewis acid. बेटा Lewis acid उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की deficiency होती है, जैसे AlCl3 etc. Lewis acid है, और उससे बेंजीन रिंग की टिंडी पे लग जाएगा ये हैलोजन और बाहर निकलेगा HX, क्योंकि यहां पे बेंजीन के न्यूक्लियस पे अटैक हुआ, बेंजीन के ऊपर अटैक हुआ है, तो इसको न्यूक्लियर हैलोजिनेशन बोल देते हैं, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन बोल देते हैं। समझ में आई? नाउ How this reaction happens, तभी मैं बता पाऊंगा बाकी सब के बारे में। ठीक, देखिए इसका mechanism, इसका mechanism कैसे होगा, प्लीज ध्यान दीजिए। देखो बेटा, इसमें तीन स्पीशीज है, एक है बेंजीन रिंग, एक है हैलोजन और एक है AlCl3। ये AlCl3 इज अ लुईस एसिड, दिस इज अ लुईस एसिड। बेटा यही जरूरी नहीं होता, लुईस एसिड कोई भी यूज हो सकता है, इट कैन बी FeCl3, इट कैन बी Fe एंड Cl2, तो FeCl3 ही बनाएगा। कोई भी लुईस एसिड जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक, वो यहां यूज होता है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो लुईस एसिड इज वीक मंगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो ये हैलोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन लेगा, हैलोजन के ऊपर लोन पेयर है, हैलोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, हैलोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, बॉन्ड एक ही बना, 3 लोन पेयर है, लुईस एसिड भीख मंगा है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये किससे लेगा, ये हैलोजन से लेगा, ये बेंजीन से क्यों नहीं लेगा? बेटा बेंजीन से इसलिए नहीं लेगा, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, लगातार मूव कर रहे हैं, अपनी जगह पे खड़े हुए नहीं है। अब इस वजह से ये एक एक्स पॉजिटिव टू इसके इलेक्ट्रॉन इसलिए लिए, तो यहां के इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इसके पास जाएंगे, तो एक एक्स पॉजिटिव बनेगा और एक AlCl3 एक्स नेगेटिव। बेटा क्या पॉजिटिव नेगेटिव कभी टूटे हुए होते हैं? एक्चुअली तो ये ऐसे बने हुए होते हैं, बट रिएक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा ना दिखाई दे मैकेनिज्म में, तो हम इसको अकेले को दिखाते हैं। सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल,
दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है बच्चे, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्लियर हो गया। अब ये इसको इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कहां से लेगा, ऑब्वियसली अब एक ही चीज है, दैट इज बेंजीन रिंग। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, जैसे बेंजीन में ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन शो करते हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल है बेटे, इसमें इस कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन लिए तो ये कार्बन यहां डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगा बच्चे, जिसकी वजह से हमारे पास यहां पर जुड़ जाएगा भाई एच और यहां जुड़ जाएगा एक्स, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे चले गए तो यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड रहेगा। एच तो बेटा पहले भी था, हमने दिखाया नहीं था, ऐसे दिखा दिया अभी, एच वो सारे कार्बन पे है, लेकिन अब ये जो कटायन बना, क्या इसमें कॉन्जुगेशन दिख रही है आपको, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है ना, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, रिजोनेंस होनी शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से हमारे पास बनेगा इस तरह का कटायन, डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, यहां एच लगा था, यहां एक्स लगा था, अब पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया क्योंकि यहां के इलेक्ट्रॉन आगे चले गए। नाउ यहां फिर से देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ठीक है जी। अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का होगा, यहां एच, यहां एक्स और यहां तो बॉन्ड पहले ही आ गया था, अब यहां वाला बॉन्ड यहां आ गया और यहां कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव है ना बेटे, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आए तो यहां डबल बॉन्ड आ गया और यहां के चले गए तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ ये तीन एक दूसरे के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये तीन एक दूसरे के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अभी क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, इससे अगला कार्बन अल्फा कार्बन उस पे लगा अल्फा हाइड्रोजन, जब भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन लगा होता है वो क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां देगा, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा तो दैट एच विल बी गिवन ऑफ एंड प्रोडक्ट दस फॉर्म इज, यहां पे X रह गया, यहां बॉन्ड पहले था यहां पे भी आ गया था, अब H ने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहां पे भी आ गया, बाहर निकला H पॉजिटिव, ठीक है जी। अब ये जो H पॉजिटिव है ये अपना सारा गुस्सा जो वहां निकला ये किस पे उतारेगा, AlCl3X नेगेटिव पे, कि भाई तेरी वजह से मेरे को बेंजीन रिंग से निकाल दिया गया, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, और इसका नेगेटिव वाला पोर्शन ये खुद छीन लेगा, इसी वजह से तैने मेरे से पंगा लिया था, ये मेरे को दे दे, तो ये इसका जाएगा और AlCl3 को मारेगा ठुड्डा, जहां से आया वहीं भाग जाए, तेरी वजह से मेरे को रिंग से बाहर निकाल दे। पर रिएक्शन इस तरह कंप्लीट हो गया, बोलो बेटे मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं, यस और नो क्विकली लिखना। ये ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, दिस मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके दो स्टेप हैं, देखिए ये स्टेप वन है, ये स्टेप वन है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोगनाइन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोगनाइन, इस वक्त इसको लिखने दें यहां, स्टेप वन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोगनाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कटायन, ये पहला स्टेप था इसका बेटा, ठीक। और ये स्टेप टू है, दैट इज रिमूवल ऑफ एच पॉजिटिव, रिमूवल ऑफ एच पॉजिटिव, और इन दो स्टेप से हमारे पास बेंजीन का क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। Now, हम यहां बात कर रहे हैं हैलोजिनेशन,
हैलोजिनेशन में वी कैन हैव फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन, है ना भाई? तो हमारे पास यहाँ फ्लोरिनेशन भी हो सकती है, क्लोरिनेशन भी हो सकती है, ब्रोमिनेशन भी हो सकती है, आयोडिनेशन भी हो सकती है। अब उसको समझो, देखो दोस्तों, यहां पे अगर हम स्पीड की बात करें, रिलेटिव स्पीड, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडिनेशन, देखो बेसिकली फ्लोरिनेशन की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, देन क्लोरिनेशन, देन ब्रोमिनेशन, देन आयोडिनेशन, ठीक। अब क्यों ऐसा होगा उसमें हम पहले क्वेश्चन वाइज करेंगे। पहली बात, नंबर वन, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट डन, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट डन बेटे, कभी भी डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? अगर मान लो यहां फ्लोरिन लगाया होता तो यहां हमारे पास क्या बनना चाहिए था बेटा? अगर मैंने यहां फ्लोरिन लगाया होता तो यहां क्या बनना चाहिए था? फटाफट बोलो। यस, एचएफ, बिल्कुल सही। एंड एचएफ की फॉर्मेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक, देयर कैन बी एक्सप्लोजन्स। तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट डन बिकॉज एचएफ इज फॉर्म्ड हूज फॉर्मेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक, हूज फॉर्मेशन is highly exothermic. Explosions may take place. Explosion may take place. May take place. इस वजह से हम डायरेक्ट कभी भी फ्लोरिनेशन नहीं करते, क्योंकि फ्लोरिनेशन में एक्सप्लोजन होने के खतरे रहते हैं बेटा, ठीक। डेंजर रहता है फ्लोरिनेशन में, ठीक, मुश्किल होता है। दूसरी बात, दूसरी खास बात, डायरेक्ट आयोडिनेशन इज ऑल्सो नॉट डन, डायरेक्ट आयोडिनेशन, डायरेक्ट आयोडिनेशन इज ऑल्सो नॉट डन बेटे, हम डायरेक्ट आयोडिनेशन भी नहीं करते। क्यों बेटे? मान लो अगर आयोडिनेशन करे तो यहां पे क्या बनेगा? एच आई इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हमने ऑक्सीडाइजिंग ही बेटे, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक, बिकॉज एच आई फॉर्म्ड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट takes reaction backward, takes reaction backwards, बेटा ये रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा। यानी अगर बेटे मैंने यहां पर इसकी आयोडिनेशन करी होती इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो मेरे पास जैसे आयोडोबेंजीन बनता साथ में एचआई बनता, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में कम बैकवर्ड में ज्यादा होता। सो आयोडिनेशन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयरफॉर आयोडिनेशन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, agents like HIO3, HNO3, HGO, etc. ठीक, क्यों? क्योंकि जैसे HI बनेगा, ये oxidizing agent, जैसे HIO3 की हम बात करें, ये iodine और water दे देगा, HI को खत्म कर देगा, क्योंकि ये reducing agent होगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे जिससे एचआई खत्म हो जाएगा। बेटा पेपर में क्वेश्चन ही आया था कि बेंजीन को प्लस एचएनओ3 प्लस आई2
और हमसे प्रोडक्ट पूछा था, बेटे प्रोडक्ट में नाइट्रोबेंजीन भी मिला के दिया गया, आयोडोनाइट्रोबेंजीन भी मिला के दे दिया गया। पर याद रखना ये तो सिर्फ हमें क्या किया, हमें मूर्ख बनाने की कोशिश की गई है। दिस इज ओनली एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो द प्रोडक्ट हियर इज ओनली आयोडोबेंजीन। तो डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं कर सकते, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते। बेटे फ्लोरिनेशन का तो तरीका ही अलग है, एंड दैट विल बी डन इन क्लास 2। बेसिकली बाल्स में रिएक्शन होता है जिससे हम फ्लोरिनेशन कर सकते हैं, अदरवाइज फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं होती भाई जी। ठीक, और आयोडीनेशन भी डायरेक्ट नहीं करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्लेस में करते हैं। लेकिन क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन ये दोनों कर सकते हैं, क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन कर सकते हैं, ना तो बहुत एक्सप्लोसिव होती है। ठीक, पर एक इसमें बहुत खास बात बताना चाहूंगा। पहले बोलो ये लिख लिया, ये समझ लिया, समझ में आ गया तब भी यस लिखना, लिख लिया डबल यस लिखना, बोलो लिख लिया। थैंक यू। लेकिन अब एक स्पेशल क्वेश्चन यहां पे डिस्कस कर रहा हूं बेटा, वन वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पर। ठीक, ये हाईएस्ट लेवल क्वेश्चन है, जरा अपने दोस्तों को पूछना। ठीक, देखो बेटा एम्स में एक असर्शन रीजन आया। अब असर्शन रीजन क्या था, उसमें असर्शन था कि रेट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन एंड हेक्साड्यूटेरोबेंजीन इज डिफरेंट। ठीक है जी, और रीजन दिया गया था C-to-D bond is stronger than C-to-H bond। तो पहले तो मैं थोड़ा आपको assertion समझाता हूं। Assertion में तो कहता है कि अगर मैं बेंजीन ले लूं और उसकी क्लोरीनेशन कर लूं इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, यहां क्लोरोबेंजीन बन जाए। ठीक, और दूसरा हेक्साड्यूटेरोबेंजीन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेक्साड्यूटेरोबेंजीन, यहां साथ में एक्सेल दिखेगा। हेक्साड्यूटेरोबेंजीन का मतलब है एच की जगह सारी जगह पे डी होंगे, जहां सारी जगह एच था यहां पे सारी जगह पे डी होगा। ये हेक्साड्यूटेरोबेंजीन हो गया ड्यूटेरियम, है ना, हाइड्रोजन का आइसोटोप पड़े होना बेटा ड्यूटेरियम, और इसमें क्लोरीनेशन मैंने की इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और मेरे पास बन गया क्लोरोड्यूटेरोबेंजीन, क्लोरोपेंटाड्यूटेरोबेंजीन। ठीक, और बाहर निकला DCl। अगर मान लो इसके रेट कांस्टेंट को मैं KH बोल देता हूं, रेट कांस्टेंट होता है बेटे रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन वी टेक वन मोलर कंसंट्रेशन। जब हम वन मोलर कंसंट्रेशन का रिएक्शन करवाते हैं उसका जो रेट होता है रिएक्शन का उसको KH रेट कांस्टेंट बोलते हैं, और इसको KD बोल देते हैं। मान लो रेट कांस्टेंट और हेक्साड्यूटेरोबेंजीन KD और इसमें KH। अब अकॉर्डिंग टू जो हमारा assertion है, assertion कहता है कि KH एंड KD इज नॉट डिफरेंट, नॉट सेम, दे आर डिफरेंट, है ना जी। जबकि तुम्हें मैं बता देना चाहूंगा assertion was actually wrong, actually rate of क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन एज वेल एज रेट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ हेक्साड्यूटेरोबेंजीन इज सेम, इट इज सेम।
बेटे अगर किसी आइसोटोप की वजह से रेट के रिएक्शन में चेंज आ जाए, उसको मतलब रिएक्शन के रेट में चेंज आ जाए आइसोटोप की वजह से, उसको बेटे हम लोग बोलते हैं, अगर मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर किसी आइसोटोप की वजह से रिएक्शन में रेट चेंज हो जाए उसको आइसोटोपिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोपिक इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर? सो दैट इज आइसोटोपिक इफेक्ट। तो इसमें कोई आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होता, नो आइसोटोपिक इफेक्ट। क्लोरीनेशन में कोई आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होता, रेट बराबर होती है। यानी ये जो कही बात है ये रॉन्ग है। जबकि सीडी बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सीएच बॉन्ड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सीडी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है सीएच से। सर फिर ये रेट सेम क्यों होती है? देखो बेटे, मैंने ऊपर इसलिए मैकेनिज्म बिठाया नहीं, इसमें दो स्टेप थे। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा स्टेप रिमूवल ऑफ एच। अगर मान लो हमेशा बेटे किसी भी रिएक्शन के जो स्टेप्स होते हैं ना, उसमें स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रिएक्शन के जितने भी स्टेप होते हैं उसमें स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये अगले साल काइनेटिक्स में पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए। मान लो अश्विनी सर ने एक कंपनी खोल ली और वो कंपनी मार्कर बनाती है, ठीक है जी। एक कंपनी मैंने खोली अभी, ताजा ताजा है ना, ठीक, ओरिज मार्कर। तो क्या है, मार्कर बनाती है मेरी कंपनी। अब मैंने उसके तीन डिपार्टमेंट बना दिए। एक ढक्कन डिपार्टमेंट जो सिर्फ ढक्कन ही बनाता है, एक खोखा डिपार्टमेंट जो सिर्फ खोखा ही बनाता है, एक रिफिल डिपार्टमेंट जो इसके रिफिल्स बनाता है। ये तीन डिपार्टमेंट है। अब मेरा ढक्कन डिपार्टमेंट बहुत ही ढक्कन है, उसने क्या किया, एक महीने के अंदर 10 लाख ढक्कन बना के रख दिए। एक महीने के अंदर 10 लाख ढक्कन बना के रख दिए। मेरा खोखा डिपार्टमेंट जो था उसने एक महीने के अंदर 1 लाख खोखे बना के रख दिए। मेरा जो रिफिल डिपार्टमेंट था उसने एक महीने के अंदर 10,000 रिफिल बनाए। अब मुझे बताओ मैं मार्केट में कितने मार्कर आफ्टर 1 मंथ बेच सकता हूं, या एक महीने में मेरे मार्कर बनाने की रेट कितनी हुई? That is only 10,000, है ना भाई? क्योंकि रिफिल 10,000 ही है। अब खोखे क्या करूंगा, ढक्कन अपने ऊपर लगाऊंगा क्या, है ना भाई? तो ऑब्वियसली जो सबसे स्लो चीज बनी, रेट तो उसी पे डिपेंड की। ढक्कन का क्या करूंगा, खोखों का क्या करूंगा भाई, जब तक रिफिल नहीं बनेगा। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है रेट उसी पे डिपेंड करती है। इसी तरह से किसी भी रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उस पर रेट डिपेंड करती है कि वो कितना प्रोडक्ट बना रहा है, उसी के हिसाब से आगे रिएक्शन होता रहेगा, चाहे वो फास्ट हो, बाकी रिएक्शन चाहे फास्ट हो। और यहां पे स्लोएस्ट स्टेप जो है वो स्टेप नंबर वन है। स्टेप नंबर वन स्लोएस्ट स्टेप है, इसको हम आरडीएस बोलेंगे। क्यों बेटा? स्टेप में एरोमेटिसिटी खत्म हुई ना, इसमें तो एरोमेटिसिटी रीगेन हुई है, इसमें एरोमेटिसिटी खत्म हुई है। तो फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस, रेट डिटरमिनिंग स्टेप फर्स्ट स्टेप था। इसलिए फर्स्ट स्टेप में यहां एच लगा हो डी लगा हो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बेटा एक्स ने अटैक करना है इलेक्ट्रॉन कार्बन से, लेने एच लगा हो डी लगा हो हमारी बला से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अगर कहीं मेरा सेकेंड स्टेप रेट डिटरमिनिंग होता, सेकेंड स्टेप स्लो होता तो क्या होता बेटा? सी से एच बॉन्ड टूटना ये आसान होता, सी से डी बॉन्ड टूटना मुश्किल होता, तो रेट में फर्क आ जाता। सिंपल है कि मेरा सेकेंड स्टेप रेट डिटरमिनिंग होता तो रेट में फर्क आ जाता, लेकिन एक्चुअली मेरा फर्स्ट स्टेप ही रेट डिटरमिनिंग है, जिससे फर्क ही नहीं पड़ता सी से डी का बॉन्ड टूटे सी से एच का बॉन्ड टूटे, वो तो फास्ट स्टेप है, हमारा स्लो स्टेप तो यही है। इसी के ऊपर रेट डिपेंड करेगी और वो एच या डी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसमें कोई आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होता है।
बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बोलो यस और नो। वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक, पर बेटे अब एक खास बात सुन लो, आइसोटोपिक इफेक्ट डू अकर्स इन आइडिनेशन और इन सल्फोनेशन, ये अभी से दिमाग में डाल लो। आइसोटोपिक इफेक्ट अकर्स इन आइडिनेशन, आइडिनेशन में होता है आइसोटोपिक इफेक्ट, और सल्फोनेशन, आगे जाके सल्फोनेशन पढ़ेंगे उसमें भी होता है, यानी उसमें ये रेट डिफरेंट होगी, उसमें सेक्शन सही होगी। अब आइडिनेशन में क्यों होता होगा, वेरी सिंपल है यार, फर्स्ट स्टेप में यहां आयोडीन ने अटैक करना है, यहां पर आयोडीन वन पॉजिटिव ने अटैक करना है, लेकिन सेकंड स्टेप में हमारे पास है क्या बेसिकली, एच पॉजिटिव ने टूटना है। तो बेसिकली ये जो पहले स्टेप में ये जो आयोडीन वन पॉजिटिव की फॉर्मेशन है बहुत इजी हो जाएगी, आयोडीन बड़े बड़े होते हैं ना, बड़ी आसानी से टूटेगा, तो बड़ी आसानी से आई पॉजिटिव बनेगा, बड़ी आसानी से अटैक करेगा, तो पहला स्टेप थोड़ा फास्ट हो जाएगा, जबकि क्लोरीन थोड़ा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा भाई, टूटना मुश्किल होगा, सीएल वन पॉजिटिव बनना मुश्किल होगा, फिर अटैक होना मुश्किल होगा, समझे ना। तो आयोडीन वन पॉजिटिव बनना इजी है, तो ये रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाएगा और सेकेंड स्टेप उसके मुकाबले स्लो होगा। इस वजह से आयोडीनेशन में दोनों रेट अलग अलग होंगी, क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन में सेम रहेगी, ठीक, सल्फोनेशन में अलग होगी, जबकि एम्स में जो क्वेश्चन आया था ना उसमें क्लोरिनेशन की जगह नाइट्रेशन दिया गया था, उसमें भी आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होता है, ठीक। तो बोलो बेटे हैलोजिनेशन समझ में आई, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, हर एक पॉइंट क्लियर है इसमें, ओके। अब चलते बेटा सेकंड वन, हाइड्रेशन के बाद अगली बात करेंगे नाइट्रेशन, ये हैलोजिनेशन के बाद नाइट्रेशन, ये सारा क्लियर किया हमने, मैकेनिज्म यही रहेगा, इसमें बस इलेक्ट्रोफाइल चेंज होता रहेगा, जैसे यहां एक्स है तो अगला इलेक्ट्रोफाइल इसमें लगा के सेम मैकेनिज्म बनाने का, सब कुछ सेम रहेगा। तो अगला देखते हैं, अगला बेटे नाइट्रेशन, नाइट्रेशन बेटा नाइट्रेशन जो है वो कैसे की जाती है, देखो बेटे हमने बेंजीन लिया, ठीक है जी, और बेंजीन में मेरे प्यारे बच्चों हम लगाएंगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। सी व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रेटिंग मिक्सचर, देखो प्यारे बच्चों अकेला नाइट्रिक एसिड नहीं लगाएंगे, क्यों बेटा, अकेला नाइट्रिक एसिड जो होता है ना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यहां नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है नाइट्रिक एसिड प्लस अ स्ट्रॉन्गर एसिड, नाइट्रिक एसिड प्लस अ स्ट्रॉन्गर एसिड लाइक H2SO4 या कोई CF3COOH, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए हम, ठीक, और फिर नाइट्रेशन हमारे पास होती है, यहां नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, यहां नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। नाउ हाउ दिस रिएक्शन हैपेंस एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन, थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखो बेटे इसमें नाइट्रिक एसिड को क्या मैं, जो नाइट्रिक एसिड है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इज दिस नाइट्रिक एसिड, ऑब्वियसली HNO3 तो है, और H2SO4 जो होगा, जो स्ट्रॉन्गर एसिड मैंने साथ में डाला है, दैट विल ब्रेक अप इनटू H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव,
जो H पॉजिटिव है वो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन पे अटैक कर जाएगा. H पॉजिटिव जो होगा लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा. जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा बेटे तो हमारे पास वाटर निकल जाएगा और रहेगा MO21 पॉजिटिव विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल. जैसे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक किया था X1 पॉजिटिव ने किया था, वैसे बेंजीन रिंग पे अटैक करो, रिएक्शन को कंप्लीट करो, मैकेनिज्म को कंप्लीट करो. कर लोगे बेटा? सेम है जैसे X पॉजिटिव ने अटैक किया. अब X पॉजिटिव क्या हो गया? अब X पॉजिटिव NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हो गया. ठीक, अब ये अटैक करेगा. लेकिन यहां एक खास बात तुम्हें मैं बता रहा हूं जो सिर्फ मेरे बच्चों को पता है, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है. यहां पे टेम्परेचर शुड बी बिलो 90 डिग्री. यहां पे टेम्परेचर शुड बी बिलो 90 डिग्री. सर 90 डिग्री से अबव कर देंगे तो क्या होगा? तो पूछिएगा किससे क्या होगा. अगर यहां टेम्परेचर 90 डिग्री से अबव हुआ तो बेटा डाइनाइट्रेशन टेक्स प्लेस. दो नाइट्रो लग जाते हैं और बेटा एक नाइट्रो मेटा डायरेक्टिंग होता है, यानी अगले नाइट्रो को मेटा पोजीशन पे लेके जाता है. तो यहां मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा. अगर टेम्परेचर 90 डिग्री से अबव है तो बेटा डाई नाइट्रेशन होगी, और अगर टेम्परेचर 90 डिग्री से नीचे है तो मोनो नाइट्रो बेंजीन बनेगा. बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? थैंक यू. ठीक, यहां पे भी अगेन देयर इज नो आइसोटोपिक इफेक्ट. कोई आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होता क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही रेट डिटरमिनिंग होता है. पर सर एक बात नहीं समझ में आई यार, डायराइट्रेशन होता क्यों है? बाकी में तो नहीं हुआ बेटा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, बहुत ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है. तो अगर मान लो पहला नाइट्रो लग भी गया, नाइट्रो विड्रॉइंग ग्रुप होता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी. इवन ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है, अगर आपने थोड़ी एनर्जी और दे दी तो ये इस लुटे पुटे रिंग पे भी अटैक कर जाएगा और डाइनाइट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है. बेटे क्लियर? सो उम्मीद करता हूं नाइट्रेशन क्लियर हो गई. नाइट्रेशन के बाद अगली चीज होती है सल्फोनेशन. अगली चीज आपको बताई थी मैंने, सल्फोनेशन. सो नेक्स्ट थिंग वाज सल्फोनेशन. When you talk about sulfonation, what happens is, in sulfonation, what happens is, हमने benzene लिया in fuming sulfuric acid. Now, what do you mean by fuming sulfuric acid? मैंने पहले समझाया था तुम्हें fuming sulfuric acid क्या होता है. That is H2SO4 with impurities of SO3. इसको हम बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड. फ्यूम्स निकलते सल्फर ट्राइऑक्साइड के, सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है जी, इसको कई बार बेटे हम दोनों को मिला के लिख देते हैं H2S2O7. देखो दो एच दो एस ओ सेवन, जिसको हम ओलियम भी बोलते हैं. ऑल्सो कॉल्ड एज ओलियम. बेटा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं. ये एक्चुअली किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है. किंग ऑफ केमिकल्स. जैसे कभी दसवीं तक पढ़े होंगे कि H2SO4 इज कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल. ये उसका बाप है, किंग ऑफ केमिकल्स. तो सर माँ कौन है? बेटा माँ होती पानी. ठीक, जब बाप और माँ पानी मिलते हैं तो छोटे छोटे दो नन्ने मुन्ने H2SO4 बनते हैं. वो आपको प्लस टू में बताएंगे कैसे H2SO4 बनाया जाता है. खैर,
This is called as king of chemicals. King of chemicals, oleum. That is basically sulfur trioxide ka juda hua fuming sulfuric acid ka hi naam hai. Pyrosulfuric acid. Ab isme jo product banega bete hamare paas. प्रोडक्ट बनेगा यहां पर SO3H. नाउ यहां कुछ दो चार चीजें समझनी बहुत जरूरी है. इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड. क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है बेटा. नाउ इसमें सबसे पहले बनेगा कैसे, कैसे रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बेटा. इसमें जो H plus O4 है, एक तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है और वो टूटता है HSO4 1 नेगेटिव, H3O पॉजिटिव और सल्फर ट्राइऑक्साइड में. ऐसे टूटता है बेटा ये. It is not like H, दो H और सल्फेट. ये पहले H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में टूटेगा. जो H पॉजिटिव है वो अगले मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, उससे H3O पॉजिटिव निकालता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकालता है. अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रोफाइल इज सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो सर कैसे अटैक करेगा और कैसे होगा? ये बेंजीन रिंग है दोस्तों. सल्फर ट्राइऑक्साइड ऐसे बना देते हैं. ये भी लुईस एसिड होता है बेटा. ठीक, ये अभी इक्विलिब्रियम टॉपिक आएगा तो पता चल जाएगा लुईस एसिड क्यों होता है. हालांकि ऑक्टेट कंप्लीट है फिर भी लुईस एसिड. जब भी कोई डिफरेंट एटम्स मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ते हैं वो लुईस एसिड होते. ठीक, तो बेटे ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चलेगा. अब हमारे पास क्या बनेगा? बेंजीन रिंग. ठीक है जी. और यहां जुड़ेगा S, जिसका डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव डबल बॉन्ड हो, तीन है ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा नेगेटिव. और यहां पे क्या लगा होगा? H, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां गए तो यहां वाले इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे कि जाएंगे, तो वैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहां पर बाकी वही वाली रिजोनेंस हो जो आपने क्लोरोबेंजीन में किया था. यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां. ठीक, अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा. S डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, H, यहां के इलेक्ट्रॉन आगे गए, यहां पॉजिटिव चार्ज. ठीक, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां. तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे H, यहां S डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड. ऑब्वियसली इसके इलेक्ट्रॉन यहां H पॉजिटिव इज गिवन आउट. और H पॉजिटिव निकालेगा कौन? हमारे पास ऊपर HSO4 1 नेगेटिव था कि नहीं? ये इस H पॉजिटिव को बाहर निकालेगा और हमारे पास बेंजीन रिंग की टिंडी पे रह जाएगा S डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, और यहां पे ये पूरा कंप्लीट साथ में निकलेगा H2SO4. HSO4 कहां से आया? H यहां से, HSO4 यहां से. अब तीसरी चीज हमारे पास यहां पे थी H3O पॉजिटिव. तो H3O पॉजिटिव से ये निकालेगा H और बन जाएगा बेंजीन के ऊपर SO3H और बाहर निकलेगा वाटर. ठीक है बच्चों, इसीलिए यहां पे जो HSO4 नेगेटिव होता है उसको हम बोलते हैं डी प्रोटोनेटर. ठीक है जी, डी प्रोटोनेटर.
प्रोटोन निकालने वाला, और जो H3O पॉजिटिव यहां पे यूज हो रहा है वो यहां देखिए H दे रहा है, सो दैट इज प्रोटोनेटर, ये प्रोटोन देने वाला होगा, और सल्फर ट्राइऑक्साइड इज इलेक्ट्रोफाइल, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज इलेक्ट्रोफाइल। बोलो बच्चे मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलना यस सर नो। अब बेटे देखो किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से एच निकाल दो उसका बेस बन जाता, किसी भी एसिड से एच निकाल दो उसका बेस बन जाता, उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस वीक होता है, तो ये एक H2SO4 का एच निकालो तो यही बनेगा, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड तो इसका बेस वीक, ये वीक बेस होगा, वीक बेस है तो एच निकालना मुश्किल होगा, और इसीलिए ये वाला स्टेप स्लो हो जाएगा फर्स्ट स्टेप के मुकाबले, सेकंड स्टेप स्लो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वीक बेस है, वीक बेस ने एच पॉजिटिव निकालना है, रिएक्शन स्लो हो जाएगा, इसलिए आरडीएस इसका सेकंड स्टेप होता है, और इसीलिए यहां पे आइसोटोपिक इफेक्ट होता है, आइसोटोपिक इफेक्ट अकर्स। बोलो समझ में आया आइसोटोपिक इफेक्ट क्यों होता है, जल्दी बोलो यस और नो। इसमें केएच और केडी की जो रेशो है वो 7 होती है, केएच बाय केडी की जो रेशो होती है, केएच बाय केडी की जो रेशो होती है वो 7 होती है बच्चों, केएच बाय केडी की रेशो 7 होती है, ये कईयों को दिखाई नहीं देता है तो यहां लिख देते हैं केएच बाय केडी, वो समझते हो रेट कांस्टेंट ऑफ बेंजीन बाय हैजर्ड रेशियो ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन की रेट 7 टाइम्स ज्यादा होती है देन हेक्साडिब्यूटेरो बेंजीन, ठीक है। और आइसोटोपिक इफेक्ट क्यों होता है, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, डी प्रोटोनेटर कौन है, प्रोटोनेटर कौन है, उम्मीद करता हूं सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, यस और नो। ओके बच्चों आगे चलते दोस्तों, अगली बात हमारे पास नाइट्रेशन हो गई, सल्फोनेशन हो गई, हैलोजिनेशन हो गई, अब हम डिस्कस करेंगे फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन इन बेंजीन। फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शंस इन बेंजीन, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शंस। सी बेटा फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन की फुल डिटेल तो प्लस टू में पढ़ेंगे, ठीक, पूरी डिटेल टनाटन, अभी इतनी ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, ठीक, अभी सिर्फ आपको बेसिक मैकेनिज्म, बेसिक चीज बता रहा हूं फ्रीडलक्राफ्ट की, ठीक। फ्रीडलक्राफ्ट 3 तरह के होते हैं लेकिन अभी हम 2 तरह के कर रहे हैं, एक हम करेंगे फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, दूसरी करेंगे फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, दूसरी फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, ऐसे फ्रीडलक्राफ्ट कार्बोनाइजेशन भी होती है, ठीक, बट फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा इसकी फुल डिटेल्स पढ़ेंगे प्लस टू में, अभी हम इसको ज्यादा नहीं परेशान करेंगे, ठीक, अभी तो सिर्फ इतना ही करेंगे पता चल जाए, ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ मान लो आपने CH3Cl ये लगा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या कोई भी लुईस एसिड, बेटा लुईस एसिड पहले यहां से Cl निकाल लेगा और बेंजीन रिंग की टिंडी पे लगा देगा CH3 अल्काइल ग्रुप और बाहर निकला HCl, क्योंकि बेंजीन पे अल्काइल ग्रुप लगा है इसीलिए तो उसको अल्काइलेशन बोला, फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। हुआ ऐसा कि CH3Cl पर पहले AlCl3 ने अटैक किया होगा और लोन पेयर क्योंकि क्लोरीन के ऊपर होंगे तो
तो क्लोरीन से लोन पे लेके CH3 पॉजिटिव और AlCl4 वन नेगेटिव बना दिया होगा, ये बेंजीन के ऊपर अटैक कर जाएगा, ठीक। और जैसे हमने पहले मैकेनिज्म किया उससे हमारे पास ये बन जाएगा एल्कालेशन। बोलो बच्चे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कालेशन क्लियर होती है कि नहीं होती, जल्दी बोलना। यस सर। मान लो हमारे पास ये बेंजीन है और यहां पे CH3CH2Cl है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस लाइक दिस। ऑब्वियसली यहां से Cl निकलेगा, कटायन यहां से बनेगा और बेंजीन के ऊपर CH2CH3 ऐसे लग जाएगा। बेटा अगर बेंजीन के ऊपर सिर्फ CH3 लगता उसको टोलुइन बोलते हैं कॉमन नेम में। यहां पे इथाइल बेंजीन बना। अब बेटे आप सोचो जरा कि अगर मैंने बेंजीन के साथ यहां पर ये रिएक्ट करवा दिया CH3CH2CH2Cl, अब बोलो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, अब बोलो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। नहीं बेटा, गलत बच्चे, यहीं पे तो झोल है ना, यहीं पे तो झोल है। बेसिकली क्या है कि CH3CH2CH2Cl पर AlCl3 जब अटैक करेगा तो Cl को निकालेगा और कार्बो कटायन बनाएगा, बनाएगा कि नहीं, और साथ में AlCl3 और AlCl4 पर नेगेटिव। बेटा कार्बोकैटायन इज द ओनली स्पीशीज व्हिच कैन रीअरेंज और नॉट, तो क्या यहां रीअरेंजमेंट हो सकती थी? यस बच्चे, ये गलती तुम नहीं करोगे, ये एच यहां जाएगा और यहां रीअरेंजमेंट करके ये कटायन बनेगा और ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो डायरेक्ट प्रोपाइल नहीं लिख देगा, यहां पे आइसो प्रोपाइल बेंजीन बनेगा, यानी बीच वाले कार्बन से ये जुड़ेगा ना कि साइड वाले से। तो जब भी फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन दी गई हो तो जो अल्काइल ग्रुप है उसका सीएल निकाल के पहले कार्बोकैटायन बनाना, फिर कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट हो सके तो करना और फिर बेंजीन पे अटैक करवाना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस, ये फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन थी। एसाइलेशन का मतलब होता है एसाइल ग्रुप का लगाना। तो जैसे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हमने CH3 सी डबल बॉन्ड OCl यानी COCl इसका रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो प्यारे बच्चों यहां से तो Cl ही निकालना है, इसके साथ अटैक किसका होगा? बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, इसको बोलेंगे एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। और ये था इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। तो बेटा इथेनॉइल क्लोराइड में अगर बेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं एलसीएल एसीटोफिनोन, ये एसाइल ग्रुप लगा, एसाइलेशन, ठीक है जी। सिमिलरली बेटे अगर मान लो ये बेंजीन है, इस पे मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड लगाया होता, बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐसे लिखा जाता है, इसको कई लोग ऐसे लिख के दिखा देंगे CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3, तो एक ही बात हुई ना, ठीक। कई लोग इसको अंग्रेजी में लिख देते ए सी ओ का होल ट्वाइस ओ, या फिर इसको ऐसे लिख देते CH3 सी ओ का होल ट्वाइस ओ, सब एक ही तो चीज है कि नहीं। और इसमें भी अगर हम अटैक करवाएंगे AlCl3 का, बेटा यही पार्ट जुड़ना है ये वाला, यानी यहां पे एसिटोफिनोन ही बनना, ये एसाइलेशन ही होती है। तो ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड होती है इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड।
इसकी प्रेजेंस में भी हमारे पास एसिटोफिनोल बनेगा, फिडिलक्राफ्ट एसाइलेशन होगी। और जबकि ये बेटर बेटर एसाइलेटिंग एजेंट होता है, बेटर एसाइलेटिंग एजेंट, क्योंकि इसके रिएक्शन कंट्रोल हो सकते हैं बेटा, एसाइल क्लोराइड यानी इसके रिएक्शन कंट्रोल इजीली नहीं होते, बहुत क्विक होते हैं, इसके रिएक्शन कंट्रोल होते हैं, इसलिए एनहाइड्राइड्स आर बेटर एसाइलेटिंग एजेंट्स। बोलो बेटा, फिडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों क्लियर हुए कि नहीं हुए? जल्दी बोलने का, जल्दी क्विकली। हालांकि इसमें लॉट मोर डिटेल इज देयर, कहां कहां फिडिलक्राफ्ट होता है, कहां नहीं होता है, फिर क्या वजह होती है, इसको बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट इन द सेंस मतलब प्लस टू में पढ़ेंगे, ठीक, थोड़ी बुद्धि बढ़ जाएगी जब तक, अभी तो हमें लुईस एसिडिटी पूरी तरह नहीं पता है, ठीक, तो जब तक थोड़ी बुद्धि भी बढ़ जाएगी, ठीक, तो ये नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा आपको मैं कि फिडिलक्राफ्ट का पूरा डिटेल क्या है। अभी सिर्फ आपको एल्काइलेशन बताई है और थोड़ी सी एसाइलेशन बताई है, एल्काइलेशन में भी थोड़ा ही बताया है, ठीक, इंट्रा मॉलिक्यूलर फिडिलक्राफ्ट वगैरह बहुत सारी तरह के रिएक्शन वो प्लस टू में बताए। तो अभी तक जो पढ़ाया बेटा, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडिलक्राफ्ट एसाइलेशन, बोलो क्लियर है? ओके,